हेलो दोस्तों, एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन हो चुका है। इसी के बारे में दोस्तों आज हम पूरी फुल डिटेल से बातचीत करेंगे। और इसके साथ दोस्तों एक एग्ज़ाम और पोस्टपोन हुआ है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि एक और कौन सा एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एक लाइन और लगा के रखा है मैंने कि क्या सितंबर में होगा एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये बिल्कुल ही गलत है। बहुत से लोग इसे कह रहे हैं कि सितंबर में हो सकता है, लेकिन फ्रेंड्स सितंबर में तो नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये जानने के लिए कि एग्ज़ाम कब होगा आप पूरी वीडियो देखिएगा। और फ्रेंड्स, मैं इसका आपको ऑफिशियल नोटिस भी दिखाऊंगा पूरा, कि इसके नोटिस में क्या क्या बताया गया है और कब तक इसका एग्ज़ाम होगा। पूरी जानकारी फ्रेंड्स आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी, इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स एमटीएस का एग्ज़ाम जब भी होगा उसके एडमिट कार्ड आएंगे तो बहुत से स्टूडेंट्स को पता नहीं चल पाता है। और बहुत से लोगों ने जीडी कांस्टेबल की भी तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, उसके लिए भी हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, जहाँ पर आपको और भी जीडी कांस्टेबल के बारे में जानकारी मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि एमटीएस का भी एक ग्रुप बनाया जाए तो आप फ्रेंड्स कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको बनाकर भी आपको दिखा देंगे। और फ्रेंड्स, आप जीडी कांस्टेबल के ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, जिसकी लिंक मैं आपको ग्रुप के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि जितनी भी नई वैकेंसीज आएंगी, जो भी अपडेट आएगा एसएससी से संबंधित, एमटीएस, जीडी, सीएचएसएल से संबंधित, सबकी जानकारी आप तक पहुँचेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को इसका ऑफिशियल नोटिस दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ऑफिशियल नोटिस के लिए आपको सिंपली गूगल में आ जाना है, वहाँ पर आपको एसएससी सर्च कर लेना है। फ्रेंड्स, जैसे ही आप एसएससी सर्च, फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर सिर्फ एमटीएस का एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं हुआ है, इसके साथ एक एग्ज़ाम और पोस्टपोन हुआ है, उसके बारे में भी हम डिटेल से जानकारी देखेंगे कि कौन सा एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप एसएससी सर्च करके एसएससी वाले सेक्शन में, स्टाफ सेलेक्शन कमीशन वाले में क्लिक करके, जिसकी ऑफिशियल साइट का नाम क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी ऑफिशियल साइट का नाम फ्रेंड्स ssc.nic.in है। डायरेक्ट आप ये टाइप करके भी सीधे यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको लेटेस्ट न्यूज़ वाला सेक्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं लेटेस्ट न्यूज़, साइड में लॉगिन भी दिया होता है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बहुत सारे नोटिस मिल जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल CGL एग्जामिनेशन 2019 रिजल्ट आ चुका है। इम्पोर्टेंट नोटिस फॉर SI इन दिल्ली पुलिस का भी आया हुआ है, नोटिस पोस्टपोन ऑफ एग्जामिनेशन कम्बाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल का है, और इसका बहुत सारे नोटिस फ्रेंड्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। तो हमें फ्रेंड्स यहाँ पर इस वाले सेक्शन में क्लिक करना है। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो सेक्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, नोटिस ऑफ पोस्टपोन एग्जामिनेशन, आप इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने PDF डाउनलोड करने को बोलेगा, आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। ये PDF थोड़ी ही देर में डाउनलोड होकर आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोटिस दिख जाएगा, जो कि SSC MTS द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर दो एग्ज़ाम जो हैं आप लोगों के पोस्टपोन हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिनमें से फर्स्ट वाला है MTS मल्टीटास्किंग का, और सेकंड जो है फ्रेंड्स आप लोगों का है सब इंस्पेक्टर्स इन दिल्ली पुलिस। मतलब फ्रेंड्स, दिल्ली पुलिस में जो SI की वैकेंसीज आई थी वो भी आपका पोस्टपोन हो चुका है। ये फ्रेंड्स होना कब था, 1 जुलाई से 20 जुलाई के बीच आपका जो है MTS का एग्ज़ाम होना था, और 12 जुलाई को जो है आप लोगों का CAPF वालों का, ये CAPF लिखा हुआ है यहाँ पर, एग्जामिनेशन होना था दिल्ली SI का, तो वो भी पोस्टपोन हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, दोनों एग्ज़ाम जो है आप लोगों के पोस्टपोन हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स आप ये बात ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स आप, और मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, बहुत से लोग कह रहे हैं फ्रेंड्स कि इसका एग्ज़ाम जो है सितंबर में होगा, तो उसके लिए भी यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। फ्रेश डेट्स ऑफ द पोस्टपोन्ड एग्जामिनेशन विल बी अनाउंस्ड बाय द कमीशन इन ड्यूज कोर्स।
मतलब फ्रेंड्स इसके लिए जो भी न्यू डेट आएगी, जो भी फ्रेश डेट आएगी, वो फ्रेंड्स एसएससी की ऑफिशियल साइट पर आपको मिल जाएगी। और फ्रेंड्स अगर आप एसएससी की ऑफिशियल साइट बार बार चेक नहीं करना चाहते हैं और चाहते हैं कि भूल जाते हैं या चेक नहीं कर पाते या हर दिन कोई भी चेक नहीं कर सकता, तो फ्रेंड्स उसके लिए भी हमारे पास आपके लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय है जिसके द्वारा आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ में जो बेल आइकॉन रहती है फ्रेंड्स उसको आप लोगों को दबा लेना होगा, टैप कर लेना होगा, जिससे कि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले, जिससे जब भी इसका एडमिट कार्ड आएगा, जब भी दिल्ली पुलिस और एमटीएस और जीडी की जब भी वैकेंसी आएगी फ्रेंड्स, उसके फिजिकल एज रिलैक्सेशन के बारे में पहले ही हम वीडियो डाल चुके हैं जो कि आपको चैनल पर मिल जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स अंडर सेक्रेटरी के साइन भी हैं, तो बहुत सी वैकेंसीज़ की जानकारी फ्रेंड्स आपको मिलेगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें फ्रेंड्स, इससे आप ही लोगों का फ़ायदा है, आपको बहुत सारी वैकेंसीज़ की जानकारी मिलेगी और प्लस एडमिट कार्ड, फिजिकल, एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, सिलेबस सब की जानकारी मिलेगी। फ्रेंड्स इसके एग्ज़ाम के बारे में मैं बता दूँ, इसका एग्ज़ाम जो है फ्रेंड्स, इसका एमटीएस के एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स इसके मैं विथ प्रूफ आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स जुलाई में तो इसके एग्ज़ाम होंगे नहीं, क्योंकि अगर जुलाई में लेना होता तो ये लोग पोस्टपोन करते ही नहीं। इसके बाद फ्रेंड्स बात आती है अगस्त की, तो फ्रेंड्स अगस्त की अगर हम बात करें तो अगस्त में फ्रेंड्स मान लो एसएससी स्टार्ट भी करता है तो फ्रेंड्स अगस्त में इसके जो हैं एडमिट कार्ड आएंगे, तो फ्रेंड्स एडमिट कार्ड एमटीएस का तो पहले वो लेगा नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स उसका अभी सीएचएसएल का दो जो आधे एग्ज़ाम बाकी हैं पहले बोलेगा। मतलब फ्रेंड्स अगस्त में तो आपका कंफर्म है कि सीएचएसएल का एग्ज़ाम होगा, अगर कोविड की थर्ड वेव नहीं आई तो। अगर फ्रेंड्स थर्ड वेव आती है तो ये भी पोस्टपोन हो सकता है, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है किसी भी यूट्यूबर के पास, ना ही किसी के पास, ये तो सिर्फ भगवान ही जानता है कि थर्ड वेव कब आएगी, एसएससी भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपके पास जो है अगस्त में तो आपका एग्ज़ाम होगा नहीं, और फ्रेंड्स अगस्त में आपका एग्ज़ाम होगा नहीं तो फ्रेंड्स उसके पहले आप लोगों का जो है सीजीएल के एग्ज़ाम के भी फॉर्म डाले थे फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही जल्द एसएससी लेने वाला है। तो फ्रेंड्स सितंबर में तो आपके एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम होंगे, तो फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे कि सितंबर तक तो आपका एमटीएस का एग्ज़ाम सितंबर तक तो आप लोगों का नहीं होगा। मतलब फ्रेंड्स इसके पूरे पूरे चांस अक्टूबर में हैं अगर कोविड की थर्ड वेव नहीं आती है तो, और अगर फ्रेंड्स कोविड की थर्ड वेव आती है तो उसके बाद तो ना आप कुछ कर सकते हैं, ना मैं और ना ही कोई यूट्यूबर और ना ही एसएससी। तो फ्रेंड्स आप लोग इसका ध्यान रखिएगा कि अक्टूबर से पहले आपका पेपर नहीं होगा। लेकिन फ्रेंड्स अक्टूबर में क्या नोटिस आती, बहुत से लोग सीजीएल वाले भी होंगे, कुछ एमटीएस, कुछ सीएचएसएल, कुछ जीडी वाले होंगे, बहुत से लोग एमपी की कुछ वैकेंसीज की तैयारी कर रहे होंगे जिसमें पुलिस की आने वाली है, आरआई की आने वाली है, पटवारी की आने वाली है, पोस्ट ऑफिस में भी वैकेंसीज आती रहती हैं फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स इनका क्या होता है कि आप लोगों को इनकी जानकारी नहीं मिल पाती है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, हर एग्ज़ाम की तो नहीं मिल पाती, कुछ एग्ज़ाम्स की मिल जाती है एमपी ऑनलाइन वाले के पास, लेकिन हर एग्ज़ाम्स की जानकारी नहीं मिल पाती। और अगर आप फ्रेंड्स हर एग्ज़ाम की जानकारी चाहते हैं तो आप आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर एग्ज़ाम की जानकारी समय पर मिलती रहे। प्लस बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स बेल आइकॉन को बिना दबाए आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा और आपको चैनल की जानकारी अच्छे से नहीं मिल पाएगी और वीडियोस की जानकारी नहीं मिलेगी, वैकेंसी से आप चूक सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो आपकी एसएससी जीडी से संबंधित होगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। प्लीज़ फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक वीडियोस अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स।